फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के लिए हिंदू नववर्ष संवत्सर 2081 जो पिंगल नाम का नव संवत्सर है वो बहुत सारी खुशियां लेके आए। मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एबीपी धर्मा लाइव की स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल में। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के राशिफल की, साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर, आपके बोलते हुए नाम के आधार पर आपका राशिफल। इसके साथ साथ बात करेंगे आपके मूलांक के आधार पर और आपके बोलते हुए नाम के आधार पर कुछ सरल उपायों की जो आपके लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर के आएंगे, और जानकारी देंगे आपको शुभाशुभ की, बताएंगे आपको क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ, और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को बस चुटके में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ में। तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 9 अप्रैल 2024, तिथि रहेगी प्रतिपदा, हिंदू नववर्ष का पहला दिन, तिथि अंक रहेगा 1, नक्षत्र रहेगा रेवती, इसलिए नक्षत्र अंक रहेगा 9, दिन का मूलांक रहेगा 9 और भाग्यांक रहेगा 3, इसलिए 9 के प्रयोग को और 3 के प्रयोग को आप बढ़ा दीजिए जिससे सक्सेस आपको ज्यादा मिलेगी। दिन का शुभ रंग रहेगा पीला, तो इसलिए पीले का प्रयोग करें, ऑरेंज का प्रयोग करें, येलो के शेड्स को अपनाएं, और अशुभ रंग रहेगा हरा, इसलिए हरे का प्रयोग करने से बचें। दिन की शुभ दिशा रहेगी ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट, तो इसलिए कोई भी आप खास काम करते हैं ईशान मुखी होकर के तो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, और अशुभ दिशा रहेगी उत्तर, इसलिए उत्तर दिशा की ट्रैवल करने से बचें, नॉर्थ की ट्रैवल करने से बचें, साथ साथ कोई भी खास काम और शुभ कार्य नॉर्थ फेसिंग होकर के ना करें। दिन का सबसे शुभ समय जो रहेगा वो रहेगा सुबह 11:57 से लेकर शाम में 3:21 तक, इस समय पर किए गए कार्य सफल रहेंगे, और अशुभ समय रहेगा दिन का शाम को 3:33 से लेकर शाम को 5:08 तक, तो इस समय पर कोई भी शुभ कार्य कोई भी खास कार्य ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की मूलांक 1 के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम AJS से शुरू होता है, कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, व्यर्थ के वाद विवादों से बचें, खर्चों में वृद्धि की संभावना है, पिता की सेहत के प्रति चिंता रहेगी, उपाय क्या करें, शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित। मूलांक 2 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम BK या T से शुरू हुआ है, कारोबारी यात्रा के योग हैं, आर्थिक सफलता मिलेगी, अरसे से लंबित पड़े हुए जो काम हैं वो पूरे होंगे, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें, उपाय क्या करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम CL या U से शुरू होता है, छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे, रिश्तों के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, उपाय क्या करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मूलांक 4 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम DM या V से शुरू होता है, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, नए कामकाज करने से बचें, घर पर किसी मेहमान का आगमन होगा, उपाय क्या करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मूलांक 5 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5/14/23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम EN या W से शुरू होता है, खास काम टालने से बचें, ऑफिस के कामकाज में लापरवाही से बचें, काम में बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी, धन लाभ के मौके मिलेंगे, उपाय क्या करें कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मूलांक 6 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15/24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FO या X से शुरू होता है, दोस्तों की मदद से रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, दाम्पत्य में तालमेल बेहतर रहेगा, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, उपाय क्या करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। मूलांक 7 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7/16/25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम GP या Y से शुरू होता है,
खान पान पर ध्यान दें, हर काम सावधानी से करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जॉब में उच्च अधिकारी आपको सहयोग देंगे, यात्रा करने के मौके मिलेंगे, सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दें। उपाय ये करें कि सफ़ेद काले कंबल का या सफ़ेद काले कपड़े का जो प्रिंटेड कपड़ा होता है उसका दान किसी भी धर्म स्थल में कर दीजिए, मिक्स्ड कलर। मूलांक 8 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एच क्यू या जेड से शुरू होता है, कहीं से खुशखबरी मिलने की संभावना है। कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे, तनाव से परेशान रहेंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, खर्चों में वृद्धि की संभावना। उपाय ये करें कि सरसों के तेल का दान करें। मूलांक 9 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, बिगड़ा हुआ काम बनेगा, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, बड़े कारोबारी निवेश से बचें, सेहत हालांकि आपकी अच्छी बनी रहेगी। उपाय क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों अब समय है आज के नामांक स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो आपके जीवन की किसी एक खास समस्या को दूर कर देगा। देखिए वैसे भी खास दिन है, हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, संवत्सर का पहला दिन है, और ऐसे में माता शैलपुत्री के पूजन का विधान है नवरात्रि के पहले दिन। शैल मतलब हिमालय, पर्वत, पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री यानी कि माता पार्वती के पूजन का विधान है। ये पहली दुर्गा कही गई है 9 दुर्गाओं में से, और ऐसे में ये चंद्रमा पर अपनी रूलिंग देती हैं। ऐसे में क्या करें, मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए देवी शैलपुत्री पर 3 सफेद फूल चढ़ाइए, आश्वस्त करता हूँ आपको मानसिक अशांति से 100% मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से आपको नव संवत हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।